नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथिली फैशन में। आज हम आपको बोट नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह हमारा अस्तर है, ये मेन कपड़ा है। ब्लाउज की लंबाई हमने 14 इंच लिए हैं, 13.5 इंच तैयारी रखना है तो एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। चौड़ाई हमारा 34 इंच है, चौथाई भाग हमने 8.5 इंच लिए हैं। आर्म होल हमने 6 इंच लिए हैं, शोल्डर 6.5 इंच है। अब गले का जो डिज़ाइन कटिंग करना है तो वो हमें बकरम पे कटिंग करना है, तो ये हमने बकरम ले लिए हैं। इस तरीके से अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड में 4.5 इंच लिए हैं, लंबाई 13.5 इंच है। यहाँ हमें 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 4 इंच में 2 पॉइंट कम हम नीचे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से सीधी लकीर खींच लेंगे हम। इस तरीके से लंबी लकीर खींच लेंगे हम। ये हमने 3.5 इंच लिए हैं, नीचे भी हमारा 3.5 इंच हो गया। अब इसके हमें दोनों साइड निशान लगा लेना है, तो इसे गाढ़ा कर लेंगे पहले। ये हमने इस तरीके से गाढ़ा कर लिए हैं। यहाँ हमें 10 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे सीधी। अब इसे डबल फोल्ड करके दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा थोड़ी थोड़ी सी निशान दिख रहा है तो इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब इसमें गले का शेप दे देंगे सबसे पहले। ये हमने गले का शेप दे दिया, अब सेंटर में भी निशान लगा लेंगे। ये हमने सेंटर में भी निशान लगा लिए हैं। अब हमें गले का शेप दे देना है। अब यहाँ से हमें देना है। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। सबसे पहले हमें बाहर से कटिंग कर लेना है। ये हमने साइड से इस तरीके से कटिंग कर ली है, अब बीच का कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने कटिंग करे हैं बाहर के जो बकरम है वो आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं, 1 इंच या 1.5 इंच। तो हमने इस तरीके से कटिंग करे हैं। ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आ जाएगा, तो इसे हमें अस्तर पे अब पेस्ट कर लेना है। ये हमने डिज़ाइन के हिसाब से बकरम को पेस्ट कर लिए हैं। अब ये अस्तर को और मेन कपड़े को एक साथ हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से अस्तर और मेन कपड़े को सेट कर लिए हैं। अब इसका सेंटर मिला लेंगे। ये हमने सेंटर मिला लिए हैं। अब इसका भी सेंटर मिला लेंगे हम। ये हमने दोनों के सेंटर में निशान लगा लिए हैं। अब इसको इस तरीके से रखेंगे सेंटर में, और फिर कच्ची सिलाई कर लेंगे।
ये हमने सेंटर में सिलाई कर लिया है। अब गले के किनारे पे सिलाई कर लेंगे जैसे जैसे डिजाइन है। ये हमारा बोकरम यहाँ तक है तो हमने यहीं तक सिलाई करे हैं। अब इस वाले गले को यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया। अब ये जो बीच का कपड़ा इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने बीच के कपड़े को कटिंग कर लिया। अब ये किनारे से कट कर लेंगे। ये हमने किनारे से कट कर लिया। अब इसे पलट लेंगे तो इसको इस तरीके से हम पलटते हुए कच्ची सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। ये हमने इस तरीके से गले को पलट के कच्ची सिलाई कर ली। इसी तरह दूसरे पल्ले में भी हमें तैयार कर लेना है। ये हमने दोनों पल्लों को इस तरीके से गले पलट के कच्ची सिलाई कर लिए हैं। अब इसके गले के किनारे पे हमें पाइपिंग सेट करना है। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग रखना है। ये हमने इस तरीके से पाइपिंग सेट करनी है। इसी तरह दूसरे पल्ले में भी हमें पाइपिंग सेट कर लेना है। ये हमने पाइपिंग लगा के दोनों पल्लों को तैयार कर लिया। अब इसे सेट कर लेना है। तो सबसे पहले ये अस्तर का कपड़ा अंदर रख लेंगे, इसके अंदर रख लेंगे, इसके ऊपर ये रख लेंगे हम। यहाँ से हम मिलाएँगे। ये हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। प्लेट का निशान लगा लेंगे। लगभग 4-4.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। ये हमने इस तरीके से सेट कर लिया। अब नीचे भी फोल्ड करके नीचे भी आप पाइपिंग लगा सकते हैं। और यहाँ पे बटन लगेगा। यहाँ पे आप रेडीमेड बटन भी यूज कर सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। ये हम इस तरीके से इस बटन को सेट कर लेंगे। ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।